वरुण गांधी को लेकर बड़ी खबर, वरुण लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव। सूत्र के हवाले से अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीलीभीत में वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटा है, ऐसे में वरुण ने निर्दलीय नामांकन पत्र लिया था, लेकिन अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्र के हवाले से यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दिए थे संकेत। बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने दिए थे संकेत। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से इस बार काटा है। पीलीभीत से दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में वरुण गांधी को लेकर जानकारी ये सामने आ रही थी कि निर्दलीय भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का रास्ता भी वरुण गांधी के लिए खुला था, जिसको लेकर अब सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। तो बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। वरुण गांधी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी वरुण को उतार सकती है मैदान में। पीलीभीत की बात की जाए तो गांधी परिवार की अहम सीट रही है लंबे समय से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरण साधते हुए इस बार वरुण गांधी का टिकट वहां से काटने का काम किया है। दो बार के सिटिंग सांसद हैं वरुण गांधी, और ऐसे में लंबे समय से जिस तरह से अपनी ही सरकार को लेकर कई मुद्दों पर वरुण गांधी सरकार को घेरते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं, ऐसे में माना यह जा रहा है कि अलग अलग समीकरण के आधार पर वरुण गांधी का टिकट बीजेपी से कटा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी को इस मौके का इंतजार था। अखिलेश यादव पहले ही इस बात को लेकर संकेत दे चुके थे, और इस पूरे मामले में अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत अंदर खाने चल रही है और समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण। जी जी, आपको जैसे कि आप जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल आ रही है कि वरुण गांधी सपा से लड़ सकते हैं। आपको अहम बात बताते, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली से भगवत सरवी मंगलवार को सुना था, वो अगर जैसे कि वरुण गांधी आते हैं सपा में तो वो अपनी दावेदारी भी खोल सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। ये बात भगवत सरन ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के सीट पर आते हैं पीलीभीत से, वरुण गांधी को भगवत सरन अपनी दावेदारी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं आई है। और आपको प्रदेश की निर्दलीय भी लड़ सकते हैं वरुण गांधी, पीलीभीत से टिकट करने पर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। जी, इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पीलीभीत की सीट को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, वरुण गांधी का टिकट कटा, और दूसरी तरफ अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर गर्म हो गई है। बात करें बसपा की तो बसपा ने भी जोर शोर की राजनीति शुरू कर दी, और पल्लवी पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि आज या कल में सीटों के जो करार है तय होने के बाद जो है दोनों दल, अपना दल के और बसपा के बीच जो है समझौता होने के बाद दोनों चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। अगर बात करें पीलीभीत सीट की सपा से, तो सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे थे और बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट एक तरह से काट दिया है, और वरुण गांधी ने अपना जो है नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। और उनकी मां की बात करें तो उनकी मां का भी जो है टिकट पूरी तरह से होल्ड पर था, लेकिन बीजेपी ने जो 13 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की उसमें मेनका गांधी का नाम शामिल हो गया है। और अब यह चर्चा गर्म हो गई है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से
जो है चुनाव मैदान में। जी मोहम्मद आसिफ, आपको बीच में रोकेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं। जी भुवन जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। समाजवादी पार्टी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पीलीभीत की सीट पर वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय वरुण गांधी जी अभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। जी अगर कोई भी पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद, किसी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है, जब तक वो वहां से मुक्ति नहीं लेता दूसरी जगह युक्ति कैसे हो सकती है? अभी तो वो उसके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अभी कोई इस्तीफे की उनकी कोई खबर नहीं है, मुझे लगता है खाली एक पूर्वानुमान है। नहीं, लेकिन वो पहले ही इशारा दे चुके हैं क्योंकि निर्दलीय नामांकन पत्र तो उन्होंने पहले ही ले लिया है। देखिए, ये उनका विषय है, वो क्या तय करते हैं। हमारे भी तो पार्टी की ओर से कोई उनका कोई प्रस्ताव उनका आया नहीं है कि पार्टी में उन्हें शामिल होना है। जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार होगा। अगर प्रस्ताव आएगा तो समाजवादी पार्टी की ओर से मौका दिया जाएगा? नहीं, मौका देने का तो जो पूरा विषय है वो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो विषय क्षेत्र तो उनका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी उनका कोई विचार आता है तो उस पर पार्टी विचार कर सकती है, लेकिन अभी तो कोई विचार आया नहीं, तो इसलिए कहना भी तो ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र में तो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। लोकतंत्र में दरवाजे बंद करने का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और सभी पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी पर विचार करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, इसलिए कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी इसी समय जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही जी हैं हमारे साथ। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत है। वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं, बीजेपी ने टिकट काटा है, निर्दलीय नामांकन उन्होंने लिया है और सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई इस्तीफा निकलकर सामने नहीं आया है, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी व्यक्ति है लोकतंत्र में स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी जिसके ऊपर फैसला करेगी वो चुनाव लड़ेगा। जी, जिसको टिकट पार्टी ने उचित समझा उसको टिकट दिया। अब वरुण जी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र की यही सच्चाई है, वो पार्टी के साथ रहते हैं, अलग से लड़ते हैं, वो उनका विचार व्यक्तिगत फैसला है, इसमें हम लोगों को कोई ना कुछ कहना है ना कुछ जो है उसमें कोई बयान देना है। यानी कि आपका कहना है, इशारा कहीं ना कहीं ये आपका है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। देखिए, ये उनकी चीज है, पार्टी ने टिकट काटा है, पार्टी ने उनको अपने दल से निकाला तो है नहीं। अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो दल में रहे, अगर नहीं इच्छा है तो वो स्वतंत्र है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि पार्टी बनाने की कोशिश करेगी, दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि अभी भी कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जिन पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या किसी और सीट को लेकर विचार विमर्श हो सकता है? इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का इंतजार करना होगा। अभी हमारे स्तर के व्यक्ति को कुछ कहना ये जो है उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल, भुवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भुवन जी, अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि रास्ता खुला है, व्यक्तिगत उनका निर्णय होगा, यानी कि रोक टोक नहीं है। मनाने की बात मैंने पूछी तो मनाने को लेकर भी अभी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है, यानी कि साफ है कि इंतजार करना होगा। क्या आपको भी इस बात का इंतजार है कि वरुण गांधी एक बार अप्रोच करें और उसके बाद आप आगे का फैसला ले सके? देखिए, वरुण गांधी जी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं जी, और आज का जो तानाशाही रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल ये पसंद करता है कि उनकी तारीफों के पुल करें जाए कि बात की सजा मिली। वैसे उनका मैंने आपसे कह दिया है, बेहतरीन फैसला। जी बिल्कुल, अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपने दल के अंदर देखिए कि किस तरीके की तानाशाही है। स्वर्गीय नेताजी जिंदा थे, किस तरीके से उनके चेहरे से माइक छीना गया था, किस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया था अखिलेश जी द्वारा, तो ये तानाशाही कहाँ है वो देखें। हमारे दल में लोकतंत्र था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इन लोगों को अपने दल की चिंता करनी चाहिए कि 2014 से जब से अध्यक्ष बने हैं अखिलेश जी, तब से स्थितियां इनकी बिगड़ती जा रही हैं और सत्ता से ये दूर हैं। 14 में कितनी सीटें मिली, 19 में कितनी सीटें मिली, देखिए आज 3 MP हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार 3 भी नहीं रहेंगे। जनता ने मन बना लिया है इनको हटाने का, इनको तो नेस्तनाबूद करना, क्योंकि इनकी जो चीजें थी वो हर तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक वर्ग के बारे में सोचना,
ये सब चीजें जो है जनता देख चुकी है और सबका साथ सबका विकास के नारे पर जनता आगे बढ़ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आशा और विश्वास के साथ। और रही बात टिकट की और सबकी वो उसमें इसमें कोई ना तानाशाही है ना कुछ है, इसमें जो बहुत बहुत लोगों के टिकट कटते हैं, गुजरात चुनाव देखिए कितने लोगों की पूरी सरकार बदल गई, अभी हम लोगों ने देखिए मुख्यमंत्री हरियाणा में बदला, नए चेहरे को मौका दिया। नहीं लेकिन एक सवाल यहाँ पर अश्वनी जी ये भी है कि टिकट कटने की वजह केवल बीजेपी के अन्य समीकरण और रिसर्च ही है या फिर कहीं ना कहीं वरुण गांधी जिससे से मुखर रहे हैं, सरकार की आलोचना भी समय समय पर करते रहे हैं, कहीं यही वजह तो नहीं? सरकार की आलोचना, लोकतंत्र अगर जिंदा है पार्टी में तो सरकार ने तो अगर कुछ तानाशाही जैसा कि भुवन जी कह रहे हैं होता तो निकाल बाहर किए गए होते। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमको वरुण जी की जरूरत नहीं है, वरुण जी को पार्टी की जरूरत है। आज भुवन जी इस पर क्या कहना है आपका? मजबूत नेतृत्व देखिए मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जिस तरह से पार्टी घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है, पूरा जो इनका डंडा प्लस डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद धंधा, और ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। इसके इन लोगों के आदर्श तो बंगारू लक्ष्मण है जो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हैं, तो निश्चित तौर पे कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि कानपुर के सांसद ने अपना टिकट वापस कर दिया, आज देखिए कहाँ कहाँ टिकट वापस हो रहे, बंगाल में टिकट वापस हो गया, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी में जो छटपटाहट है वो दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर तानाशाह जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो तानाशाही रवैये पे आ चुके हैं। जी अश्विनी जी, सत्यदेव पचौरी को लेकर जिस तरह से भुवन जी कह रहे हैं, एक तरफ जानकारी है कि टिकट काटा गया है, भुवन जी कह रहे हैं कि टिकट उन्होंने वापस कर दिया है। नहीं नहीं, सत्यदेव पचौरी जी के बारे में एक्चुअली यही मैं कह रहा हूँ कि ये अपने दल के लोगों के बारे में जानकारी रखें तो ज्यादा अच्छा है। सत्यदेव पचौरी जी का पत्र वायरल हुआ है, उन्होंने कहा कि अब मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ, उम्र भी हो रही है उनकी, उस माननीय सांसद रहे हैं तो नए लोगों को मौका देने के लिए, वो लोग पहले ही हमारे पार्टी में तो कम से कम इतना दिखाया गया कि हट गए हैं लोग, लेकिन इंडिया अलायंस में तो रोहन गुप्ता से लेकर देखिए कितने लोगों ने क्या किया, पार्टी तक छोड़ दिया। ये लोग उस चीज को नहीं देख रहे हैं, और जितना टिकट इनके यहाँ घोषित हुआ था यादवों का, वो एक परिवार के यादवों का घोषित हुआ है, तो ये कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें कि जो अपने लोगों से ही बाहर निकल नहीं पाते हैं। पीडीए की बात करते हैं ये लोग, पीडीए कहाँ गया? अभी जब पीडीए राज्यसभा का था तो लखीमपुर से आ गया सलीम सेवानी जी का बयान, पल्लवी पटेल जी उसी नाम पर छोड़ के चली गई, इनको कई इनके इनके साथ कौन है? इनके साथ ना नगीना से टिकट देने की बात किए थे, उनको क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग अपने दल के बारे में सोच रहे हैं कि हमको 400 पार का नारा है वो हमको चरितार्थ करना है। तो फिलहाल इंतजार है, देखना ही होगा कि क्या कुछ फैसला वरुण गांधी आगे आने वाले समय में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए भुवन जी, बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।